Hey

ट आपकी प्रेपरेशन में कोई भी हिंड्रेंस ना आए साथ ही साथ मुझे पता है कि आप लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हो बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोस एंड क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट और इस तरीके से जब बेस्ट दे ही रहे हम सब देफिनेटली नो बड़ी कैन स्टॉप अचीविंग अल्टीमेट गोल और वो ये है कि आप अपने एग्जाम्स में बेस्ट मार्क्स स्कोर करो और इसीलिए हम होंगे कामयाब बड़ी वैलिड लाइन राइट ऑल्सो जितने भी बच्चे जिनको शायद नहीं पता अभी नए बच्चे हैं या फिर जिनको नहीं पता कि आप इजिली एक्सेस कैसे कर सकते हो सारे वीडियोज मैग्नेट व्रिंग्स पे तो तो मैं आपको दो बातें बता देती हूं। एक तो जितने भी subjects हैं kindergarten से class 12 तक, हो हो गया, Olympiad हो गया, या कोई भी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए हर एक चीज जो है वो आपको अवेलेबल मिल जाएगी ऑन मैगनेट ब्रेन साथ ही साथ ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जिसके लिए हम आपको चार्ज करते हैं एवरीथिंग इज फ्री ऑफ Cost. तो ऐसा नहीं है कि दो तीन वीडियोस मिलेंगे और फिर आपसे पैसे मांगे जाएंगे कि नहीं फिर वीडियोस नहीं मिलने वाले नो दिस इज नॉट द केस ऑन मैग्नेट मैग्नेट्रीन आपको हर एक वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिलता ही है साथ ही साथ सब कुछ

टोटली ऑफ इंटरमीडिएट लेवल हर एक चीज को हम अच्छे से समझ चुके हैं कि एग्जैक्टली क्या होते हैं जम्बल वर्ड व्हाट इज दिफरेंट और व्हाट आर दिफरेंट फॉर मैथ जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से तो वो हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं साथ ही साथ एक लेवल हम क्रॉस कर चुके हैं क्वेश्चंस का जो कि था बिगनर लेवल जो कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस थे बट डेफिनेटली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद आपको दो चीजें तो क्लियर हो गई होंगी एक कि क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं इस टॉपिक से सेकेंड आसान का मतलब ये नहीं है कि आपको आ, यहां पर कुछ ऐसा बोलना चाहिए हेल्प मिल रही है नहीं यहां आपके टाइम को आप बचा लेते हो या फिर गवा देते हो उसका टेस्ट होता है सो so, येस yes, ये टू थिंग्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड वी हैव अंडरस्टूड वेरी वेल इन द प्रीवियस वीडियो बट नाउ वी नीड टू काइंड ऑफ यू नो इंक्रीज आर स्पीड अब क्वेश्चन सॉल्व करना हमको फटाफट फटाफट -फट स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज एक बार हम थोड़ा स्लो लेके जा चुके हैं इस टॉपिक को ताकि आप बहुत अच्छे से यू नो यू बिकम वेल वर्क

ऑप्शन रीड करना डायरेक्शंस पढ़ लो करना क्या है एंड देन यू हैव टू डायरेक्टली कम ऑन टू द ऑप्शंस ताकि आप क्लियरली एलिमिनेट तो कर पाओ और फिर आप जो है अपना टाइम थोड़ा वहां पर सेव कर लेंगे क्लियर चलो अब पहला क्वेश्चन जो है इट सेज बेस्ट इन दिस फियर्स ये है वो क्वेश्चन जो नहीं पढ़ना है मैं बोल रही हूँ क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अगर नहीं होते तो ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता आंसर लिखने के लिए बट अभी बिकॉज यू हैव सो मेनी ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू कहीं ना कहीं यू विल अंडरस्टैंड विच वन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन सो फॉर दैट यू कैन सेव योर टाइम कैसे इस क्वेश्चन को ना पढ़ के क्लियर चलो तो पहला ऑप्शन है द बेस्ट इन देअ फीयर्स ही वॉज अ पोएट बिफोर एवरीथिंग वॉज एन एक्सिलेंट राइटर हु रोड ड्रामाज एंड शॉर्ट स्टोरीज एल्स बट ही दैट आर ऑल कंसिडर्ड पहली बार तो पढ़ते से ऐसा लग रहा है कि अच्छा ठीक है कुछ तो मीनिंग मिलेगा कुछ तो मीनिंग मिलेगा बट कुछ नहीं मिला है ना तो ये थोड़ा गड़बड़ है बट फिर भी पढ़ते जाते हैं द बेस्ट इन देयर फीयर्स अपनी अपनी जो भी फील्ड है उसमें बेस्ट He was a poet. एक बात बताओ the best in their spheres बोल दिया फिर यहां सीधे he was a poet पे आ गए, तो थोड़ा कनेक्शन नहीं है बट फिर भी पढ़ते चलो पोइट वो एक कवि थे बिफोर एवरीथिंग मतलब और भी उनकी स्किल्स uh, हैं बट उसके पहले अगर टॉप मोस्ट किसी चीज के लिए वो जाना चाहते थे तो वो है कवि होना वो ऑज एन एक्सलेंट राइटर वो बहुत अच्छे लेखक थे हु रोड ड्रामाज एंड शॉर्ट स्टोरीज जिन्होंने बहुत सारे ड्रामा बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं एल्स बट ही दैट आर ऑल कंसिडर्ड एल्स पर ही फिर दैट आर ऑल सो इट्स टू मच हॉट स्पॉट्स तो ये सीधे सीधे एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज आप बोल रहे हो ही फिर बोल रहे हो दैट आर सो ये बहुत सारे रूल्स को वायलेट कर रहा है नेक्स्ट है ही वॉज अ पोएट वो एक कवि थे बिफोर एवरीथिंग एल्स सब चीज़ों के बहुत पहले लाइक सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि वो एक कवि थे

बट उससे पहले एक और चीज है उससे पहले नहीं सॉरी बट और भी चीजें हैं जिससे पहले उनको पोइट माना गया है और वो ये सब चीजें हैं जो कि बेस्ट थी अपने, अपनी अपनी सारे मीनिंग मिल रहे हैं so इसको अपन टिक करते हैं अभी थर्ड की बात करते हैं रोट ड्रामाज ही वॉज अ पोएट एल्स ड्रामाज लिखे थे ही वॉज अ पोएट एल्स वो कवि थे बट ही बिफोर एवरी थिंग बट कुछ सब चीजों के बहुत पहले वॉज एन एक्सीलेंट राइटर बहुत अच्छे राइटर थे लेखक थे हु एंड शॉर्ट वट इज हु एंड शॉर्ट तो यहाँ पे भी गड़बड़ है दूसरी बात रोड ड्रामाज को यहाँ पर इनकम्प्लीट छोड़ दिया है सो दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा ही गलत है एलिमिनेट करो डी की बात करते हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज ही वॉज अ पोएट बट ही वॉज एन एक्सिलेंट राइटर हु रोड ड्रामाजर द बेस्ट इन दिसथिंग एल्स ओके आपको कहीं ना कहीं शायद ये सही लग रहा होगा बट अभी पढ़ते भी नहीं एक बार पढ़ो देखो एंड शॉर्ट स्टोरीज या तो शॉर्ट स्टोरीज के पहले कुछ होता तब हमें पता चलता कि अच्छा इसको भी इंक्लूड कर रहे हो एंड शॉर्ट स्टोरीज ये भी और ये भी है ना चलो ठीक है उसको भी हम कंसिडर कर ले तो सीधे से यहाँ पर आ गए आप स्टोरीज के बाद तो कंप्लीट करते कुछ फिर आप पोइट पे आ गए तो यस ये भी क्या है बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है इसीलिए आपका जो आंसर आपको मिल गया था ऑप्शन नंबर बी वही होना चाहिए नाउ लेट्स टैली ऑल द पार्ट्स बहुत बड़ा है बट यस वी नीड टू गिव टाइम ही वाज अ पोएट बिफोर एवरीथिंग एंड देन यू हैव एल्स बट ही ठीक है ना एल्स बट ही वॉज एन एक्सीट राइटर फिर दिया है हु रोट तो ये राइटर वाला है और हु रोट ड्रामा सारी चीजें टिक हो गई ठीक है फिर है एंड शॉर्ट स्टोरीज करेक्ट हु रोट एंड शॉर्ट स्टोरीज फिर है आपका दैट आर ऑल कंसिडर्ड द बेस्ट इन देस परफेक्ट कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कुछ भी मिस नहीं हुआ है एवरीथिंग इज क्रिस्प एंड क्लियर इसीलिए आपका जो आंसर है दैट इज नॉन अदर देन द ऑप्शन दैट वी राइट नाउ अंडरस्टूड दैट इज ऑप्शन नंबर बी अभी इधर ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये सॉल्व करना डिफिकल्ट नहीं है टाइम बचाना यहाँ पे डिफिकल्ट है बिकॉज अभी समझाते समझाते इट्स टेकिंग मच

इट इज वेरी प्लेजेंट टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम द अरे वाह पहला ही सेंटेंस अच्छा लग रहा है है ना कि बहुत ज्यादा खुशी की बात है बहुत अच्छा फील होता है जब हम जेंटल फ्लो जो एक बहुत ही प्यारा स्मूद सा एक फ्लो दिखने को मिल रहा है किसका नदी का फ्रॉम द माउंटेंस पर्वतों से यानी पर्वत पे से जब हम देखते हैं कि एक प्रॉपर जेंटल फ्लो स्मूथ फ्लो चल रहा है पानी का तो उसको देखकर बहुत अच्छी प्लेजेंट फीलिंग आती है तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है अब बी की बात करते हैं सी द जेंटल फ्लो इट इज वेरी प्लेजेंट टू ऑफ द रिवर फ्रॉम देखना is very pleasant, it was mandatory कि आप यहां पर टू को इंक्लूड करते, अदरवाइज इट इज नॉट गिविंग यू द करेक्ट मीनिंग है ना सो so यहां अगर ये बोलते टू सी द जेंटल फ्लो इज वेरी प्लेजेंट और इट हटा देते तो शायद वी वुड हैव कंसिडर डट तो ये यहीं पर बहुत गलत फॉर्मेट साउंड कर रहा है थर्ड ऑफ द रिवर इट इज वेरी प्लेजेंट टू सी द जेंटल फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स जस्ट अ सेकेंड ऑफ द रिवर इट इज वेरी प्लेजेंट टू सी द जेंटल फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ द रिवर इट इज वेरी प्लेजेंट तो गलत है ठीक है और वैसे भी हमको एक सही मिल ही गया है तो इट इज़ नॉट मच कन्फ्यूजिंग नाउ राइट डी प्लेजेंट टू इट इज वेरी सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स प्लेजेंट टू इट इज वेरी सी वट इज इज वेरी सी है ना तो so, ये भी हटा डालो यानी आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा ना लेट स्टाली तो ये हो गया इट इज वेरी प्लेजेंट टू सी द जेंटल फ्लो ऑफ द रिवर फ्रॉम द माउंटेन्स परफेक्ट एंड यू गॉट योर आंसर तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसको आप टिक कर डालोगे ठीक है अभी ये क्लियर हो रहा है कि जितने टाइम में हम अभी दो क्वेश्चन कर रहे हैं बिगनर लेवल पे भी करेक्ट so क्योंकि हमको वहां पर सीखने को मिल रहा था कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड और सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस और अभी उसको इंप्लीमेंट करते चलो करते चलो करते चलो अचीवर्स में तो धड़ाधड़ क्वेश्चन कर लोगे क्लियर लोग okay, चलो अब थर्ड पे बात करते हैं वेन एवर इट रेन्स माई ब्लैक कोट आई लाइक टू वेयर जब भी बारिश होती है वेन एवर इट रेन्स माई ब्लैक कोट आई लाइक टू वेयर एक मिनट जब भी बारिश होती है मेरा काला कोट मुझे अच्छा लगता है पहनना अभी इसको ऐसे थोड़ी लिखते हैं हम लिखते हैं कि जब भी बारिश होगी मुझे अच्छा लगता है अपना ब्लैक कोट पहनना शायद ऐसा बोलते हैं हम है ना तो इसको भी साइड में रखते हैं बिकॉज आई नो कि ये गलत है बट अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है चलो रखते हैं इसको साइड में नेक्स्ट पे मूव करते हैं आई लाइक टू वेयर मुझे पहनना अच्छा लगता है इट रेन्स जब भी बारिश होती है माई ब्लैक कोट मेरा काला कोट एक मिनट मुझे पहनना अच्छा लगता है जब भी बारिश होती है मेरा काला कोट ऐसे थोड़ी बोलते हैं क्या पहनना अच्छा लगता है वो आप लिंक करते तो थोड़ा बहुत हम समझ पाते सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग नाउ नेक्स्ट वन वेन इट रेन्स जब भी बारिश होती है आई लाइक टू वेयर माई ब्लैक कोट ये दिस इज साउंडिंग वेरी नाइस कि जब भी बारिश होती है मुझे अपना ब्लैक कोट पहनना बहुत अच्छा लगता है करेक्ट यस येसो अगर अभी आपको ए और सी में एक यू नो चूज करना हो एक लड़ाई चल रही है हु इज मोर करेक्ट देन डेफिनेटली आप जाओगे ऑप्शन सी के साथ राइट right? अभी तो इतना क्लियर हो गया होगा सो लेट्स नाउ एलिमिनेट दिस ना लेट्स गो विद डी कोट व्हेनेवर इट रेन्स कम ऑन व्हाई वुड कोट व्हेनेवर इट रेन्स है ना तो ये तो बिल्कुल ही अलग ही चल रही है कहानी सो ऑप्शन डी को एलिमिनेट करते हैं यानी यू गॉट योर आंसर विच इज ऑप्शन सी लेट्स फटाफट से टैलीएट व्हेनेवर इट रेन्स आई लाइक टू वेयर किधर है उधरिए वेयर माय ब्लैक कोट परफेक्ट ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे कैट वी वॉज ईटिंग उसके लैप बिल्ली जब वो खा रहा था जम्प्ड सॉरी अभी कौन क्या खा रहा है हु जम्प्ड और कहां पर यह सारी चीजें एक साथ नहीं मैंशन है ना तो ऑप्शन नंबर ए बहुत ज्यादा होचपॉच है

verb ki भैया एक्शन हो क्या रहा है लाइक प्लेइंग राइटिंग या आईएनजी हटा के तो प्ले राइट ईट वगैरह वगैरह एंड अदर पार्ट जो भी आगे का मेंशन होगा नाउ यहाँ पे अगर सब्जेक्ट इज द कैट देन वी नीड हेल्पिंग वर्ब या वी नीड एटलीस्ट अ वर्ब सो द कैट जम्प्ड इज द वर्ब जंप का पास्ट इज जम्प्ड राइट तो ये पहले आना चाहिए था लाइक द कैट जम्प्ड होता परफेक्ट लगता तो ये स्ट्रक्चर ही खराब कर रहा है तो इसको थोड़ा हटाओ ऐसा नहीं है दैट वी डोंट गो विद अदर स्ट्रक्चर बट वॉट इफ अगर आपको ये प्रॉपर स्ट्रक्चर किसी ऑप्शन में मिलता है देन ऑब्वियसली वी नीड टू गो विद इट वी डोंट वांट टू साउंड कूल यहाँ पे बिकॉज दिस इज नॉट द थिंग ये अब हम जब बात करते हैं नॉर्मल वॉर्मल दोस्तों के साथ दैट टाइम इट्स ओके आप ऊपर नीचे बोल देते हो लाइक आई ऑल्सो पर्सनली डू इट बट

ओके okay, ठीक है अभी भी यही लग रहा है कि जम्प्ड ऑन होता तो शायद सही लगता बट ठीक है अभी भी रख लेते हैं इसको अगर आपको लग रहा है कि ठीक है कोई गलती नहीं है चलो की बात करते हैं द कैट जम्प्ड ऑन his लैप while ही was eating. Yes, वी गॉट the ऑप्शन कैसे देखो सब्जेक्ट द कैट वर्ब हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं इधर चलो हटा दो वर्ब तो है जम्प्ड है ना हर जगह थोड़ी हेल्पिंग वर्ब आता है जो हम टेंस में पढ़ चुके हैं अभी इसको इधर पे नहीं डिस्कस करने का इतना बट व्हेन वी विल टेक दिस टॉपिक सेपरेटली इन अ वीडियो दैट टाइम आई लेट यू नो कि क्या प्रॉपर स्ट्रक्चर है ठीक है अभी के लिए द कैट फिर जम्प्ड और और अदर पार्ट हो जाएगा ऑन हिज लैप परफेक्ट कब ही ईटिंग जब वो खाना खा रहा था अभी इधर देखो स्ट्रक्चर आ गया सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का आई एनजी फॉर्म तो अभी आपका आंसर क्या बेस्ट है लाइक आपको बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में चूज करना है किसके साथ जाओगे डी के साथ जाओगे बी और सी को टाटा बोलोगे so इसीलिए जो है, this is the perfect one, फड़ से टैली कर लेते हैं जो बहुत ही so इस तरीके से आपका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है Fifth की बात करते हैं. वेडिंग ऑल दो माई cousins. मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया बैक किया ठीक है आई चोज मैंने ये डिसाइड किया था नॉट टू गो कि मुझे नहीं जाना है कहाँ वेडिंग में ऑल दो माई कजन्स भले ही मेरे कजन्स वॉट है ना सो यू नीड टू कम्पलीट इट ऑल दो माई कजन्स फिल इन द्लान तो नहीं दिया है हटा दो ऑल दो माई कजन्स बेगड मी भले ही मेरे कजन्स ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया मुझे बहुत बैक किया आई चोज नॉट टू गो टू द वेडिंग मैंने डिसाइड किया था कि मैं वेडिंग नहीं पे नहीं जाऊंगा लाइक like, भले मेरे कजन ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि चलना यार कभी कितने टाइम से बाहर नहीं गए किसी शादी में इफ पीपल हैव इनवाइटेड मी लेट्स गो एंड भी है तो प्लीज प्लीज किया मुझे बहुत बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं जाना है वेडिंग में अच्छा ठीक है सारा सेम मीनिंग मिल रहा है एंड ऑल्सो सब्जेक्ट वर्ब कुछ भी खराब नहीं हो रहा है था स्ट्रक्चर तो ऑप्शन बी को रख सकते हैं सी की बात करते हैं आई चोज नॉट ऑल दो माई कजन टू गो टू बैग्ड मी द वेडिंग ओके कम ऑन ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया टू गो टू वेडिंग टू गो टू बैग्ड मी द वेडिंग begged मी द वेडिंग क्या हो रहा है कुछ भी हो रहा है लेकिन इसका मीनिंग भी निकालोगे तो क्या है मैंने डिसाइड किया भले ही मेरे कजिन्स जाने के लिए रिक्वेस्ट करी मुझसे शादी में कुछ मीनिंग मिला नहीं तो ये हटा दो डी दैडिंग ऑल दो माई कजन नॉट टू गो टू अच्छा शादी भले ही मेरे कजन ने मुझे किया, मैंने किया नहीं जाने के लिए, कहां जाने के लिए? अभी ऑफ द सेंटेंस नहीं तो ये भी हटाओ यानी ऑप्शन नंबर बी बड़े आसानी से आपको मिल गया है फटाफट से करते हैं टैली ऑल दो माई देन यू हैव द वेडिंग क्लियर सो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर भी है ऑल्सो ये तरीके हैं जो आपको सीखने हैं कि जब भी आप अपने सेंटेंसेस बोल रहे हो इंस्टिड ऑफ सेइंग कि यू नो हाँ दे दे बैग्ड मी बट आई डिड नॉट गो ऐसे बोलने से अच्छा यू कैन से ऑल्दो दे बैग्ड मी ऑल्दो इज साउंडिंग सो ब्यूटिफुल सिमिलरली हाउ एवरस नंद और भी क्या होता है ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमने पढ़े हुए हैं राइट right? तो उन सबको ना यूज करो करोर यू कैन बिकॉज दे साउंड वेरी नाइस क्लियर ऑल चलो सिक्स की बात करते हैं इफ द ओजोन द होल वर्ल्ड लेर गेट्स डेमेज क्या बोला है इफ द ओजोन द होल वर्ल्ड लेर गेट्स डेमेज अच्छा ऐसा बोल रहे हो कि ओजोन जो है वो पूरी दुनिया की आ, एक वर्ल्ड लेर है लाइक पूरी दुनिया की लेर है अगर ऐसा होता एटलीस्ट आप इधर कॉमा से कुछ करते तो वॉट इज अमा एक तरीके का पॉज कि भैया थम जाओ थोड़ी देर के लिए तो हम क्या बोल देते इफ द ओजोन

Question arises, है ना कि क्या वुड गेट है ना तो ये भी गड़बड़ है हटा दो नेक्स्ट इफ द ओजोन गेट्स डैमेज अगर जो ओजोन की लेयर है O3 की लेयर है आई होप आपको पता हो ओजोन ओ थ्री ठीक है सो so, अगर ओजोन हो जाएगी होल वर्ल्ड विल सफर पूरी दुनिया सफर करेगी येस ऑब्वियसली बिकॉज ओजोन लेर हमें बहुत प्रोटेक्ट करके कर रखता है फ्रॉम यू वी रेज एंड स्टाफ तो इट इज इंपॉर्टेंट राइट सो वही है अगर ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी तो पूरी दुनिया सफर करेगी दिस इज ग्रेट सब कुछ पता चल रहा है कॉमा एट द राइट प्लेस तो ये दिस इज द आंसर नेक्स्ट डैमेज द होल वर्ल्ड इफ द ओजोन लेट विल सफर कब ऑन डैमेज द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया डैमेज ठीक है अगर ओजोन लेयर हो जाती है फिर लिखा है विल विल सफर सफर ओजोन लेयर नॉट द पीपल वुड सफर ऐसा बोलना चाह रहे हैं तो वैसे ही हमको आंसर मिल गया है तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग सो ऑप्शन नंबर सी जो है है ये आपका सही सही उत्तर है. अब इस उत्तर को फटाफट से मिला लेते हैं सो यू हैव इफ द ओजोन लेयर गेट्स डैमेज कॉमा द होल वर्ल्ड विल सफर परफेक्ट सब कुछ सही है तो so, इस तरीके से आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है डन ओके okay. अब आते हैं सेवेंथ पे अटेंड द मीटिंग ही वॉन्ट्स टू रिस्ट्रेंड हिम बट हिज फैमिली इश्यूज अटेंड द मीटिंग अच्छा यहाँ पे ऐसे साउंड कर रहा है शायद कि मीटिंग अटेंड कर लो शॉर्ट ऑफ है ना तो अटेंड द मीटिंग ठीक है ही वॉन्ट्स टू वो करना चाहता है टू रिस्ट्रेंड हिम उसको रोकने के इज रिस्ट्रेंड रुक रोकना लाइक अगर सपोज आपको अम, क्या बोलू मैं आपको जैसे किसी पार्टी में जाना है ठीक है आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है और आपको जाना है बट आप नहीं जा रहे हो क्यों क्योंकि आपकी फैमिली ने मना किया

मीटिंग अटेंड करना चाहता है बट उसकी फैमिली इश्यूज जो है उस वजह से वो रुक गया ओके okay, फाइन कौन को अटेंड करनी है मीटिंग सब्जेक्ट ही को बट क्यों नहीं कर पाया क्योंकि फैमिली इश्यूज जो है उस वजह से उस वो रुक गया है लाइक मे बी कुछ फैमिली इश्यूज है जिस वजह से वो नहीं जा पाएगा ओके okay, सही मीनिंग मिल रहा है वॉट रिस्ट्रेंड हु रिस्ट्रेंड फॉर वॉट द पर्सन री रिस्ट्रेंड एवरीथिंग यू गेट तो ऑप्शन बी सही है सी ही वॉन्ट्स वो चाहता है पर उसकी फैमिली इश्यूज़ मीटिंग अटेंड करना रोक रही हैं उसको फैमिली इश्यूज मीटिंग अटेंड करना नहीं उसको मीटिंग अटेंड करनी है बट फैमिली इश्यूज रोक रहे हैं ये बोलना है तो बट जो है ना वो यहाँ गलत जगह पे प्लेस कर दिया है ऑप्शन so, सी गलत है डी की बात करते हैं टू फैमिली इश्यूज अटेंड द मीटिंग टू फैमिली इश्यूज फिर अटेंड द मीटिंग बट हिज री स्ट्रेंड हेम ही वॉन्ट्स बट हीस कुछ भी है है ना तो ऑप्शन डी हटा दो तो आंसर जो है वो हो गया ऑप्शन नंबर बी तो कुछ ऑप्शन तो आपको मतलब ऐसे ही लगेगा कि क्या बोलना चाह रहे हो जो भी है तो उस तरीके से आप एलिमिनेट कर लोगे बिकॉज कहना क्या चाहते हो टाइप्स की फीलिंग आने वाली कुछ ऑप्शन में सो ऑप्शन डी वैसा ही था एंड यू एलिमिनेट है नो वट आंसर आर गेटिंग इज ऑप्शन बी टैली कर लेते हैं ही वॉन्ट्स टू अटेंड कितने ये रहा अच्छा ही वॉन्ट्स टू अटेंड द मीटिंग फिर दिया हुआ है बट हिज

स्टूडेंट्स आउट करेंगे राइट right? सो so, क्या बोला है कि जैसे ही टीचर जो है वो क्लासरूम छोड़ के जाती हैं स्टूडेंट्स जो है वो चिल्लाने लगते हैं ऑफ कोर्स ये होता है बट अभी यह देखने है का ऑर्डर है सही है कि नहीं सो टीचर लीव टीचर चली जाती हैं एज सुन एज जैसे ही द शाउटिंग हु शाउटिंग नहीं दिया द स्टार्ट क्या होता right? है राइट दूसरा द स्टूडेंट्स द क्लास द स्टूडेंट्स द क्लास कॉमा पे खत्म कर दिया तो हर चीज गड़बड़ है इधर ऑप्शन ए को बाय बोल दो बी की बात करते हैं एज सुन एज द स्टार्ट शाउटिंग द्लास दू दिए नहीं है. Who shouting. Class shout कर रही है नहीं बच्चों की बात हो रही है तो यह स्पेसिफिक नहीं है नेक्स्ट एज सुन एज द टीचर लीव द क्लास ये जैसे ही जो टीचर है वो क्लास छोड़ के जाती है या जाते हैं द स्टूडेंट स्टार्ट शाउटिंग बच्चे जो है वो क्लास को मार्केट बना देते हैं और बहुत ज्यादा चीची चूचू चलने लगता है राइट right? सो so, वही चीज़ है कि हाँ जैसे ही टीचर जो है वो क्लास छोड़ के जाते हैं बच्चे बहुत तेज शोर करने लगते हैं तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है और ये एस सुन एज प्लीज स्टार्ट करो अपने सेंटेंसेज में तो so, ये जो जम्बल वर्ड है ना कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ऐसे वर्ड देके जाएगा जो आप सेंटेंसिस में यूज कर सकते हो सो दैट यू साउंड वेरी नाइस वेन यू काइंड ऑफ ऑप्ट फॉर डिफरेंट सेंटेंसेज ठीक है डी की बात करते हैं टीचर लीव द क्लास टीचर क्लास छोड़ के गई एज सुन एज द स्टार्ट वॉट द स्टार्ट अग्ञन यहाँ पे गड़बड़ है तो ये भी गलत हो जाएगा वॉट स्टार्ट नहीं बताया जो कि ऑप्शन सी में बहुत क्लियर है इसीलिए आप ऑप्शन सी को टिक करोगे एंड लेट्स टैली ऑल द टीचर द क्लास द स्टूडेंट्स स्टार्ट शाउटिंग परफेक्ट सब कुछ सही है सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू एक्ट एज योर आंसर नेक्स्ट मूव करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे ही हैज टू वर्क हार्ड बिकॉज ही हैज टू टेक केयर ऑफ इस फैमिली उसको मेहनत करनी पड़ेगी ही हैज टू क्योंकि उसको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है हाँ सब सही मिल रहा है ही हैज टू वर्क हार्ड ओके बिकॉज ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली ग्रेट नेक्स्ट केयर ऑफ हिज फैमिली ही हैज टू वर्क हार्ड बिकॉज ही हैज हैज टू टू टेक टेक ही चलो स्टार्टिंग का तो करते भी नहीं ट्रांसलेट सीधे सीधे यहीं पर समझ लेते हैं ही हैज टू टेक वॉट यू आर नॉट गेटिंग आंसर तो इसको एलिमिनेट कर दो सी बिकॉज ही वर्क हार्ड ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली एक मिनट क्योंकि वो मेहनत करता है इसीलिए उसको फैमिली का ध्यान रखना है ये बेटर साउंड कर रहा है कि ही हैज टू वर्क हार्ड बिकॉज ही हैज टू टेक केयर ऑफ द फैमिली ऑब्वियसली उसको मेहनत करनी पड़ेगी फिर उसको फैमिली का ध्यान रखना है दूसरी चीज बिकॉज ही वर्क हार्ड नहीं होता ये हो जाता है बिकॉज ही वर्क हार्ड क्यों हुआ यहाँ पे एस बिकॉज टेंस के रूल्स यहाँ टेंस पे नहीं जाके चलो सब्जेक्ट वर्ब कौन कौन पे जाते हैं वेन वी हैव अंगुलर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर वर्क प्लेस करना कंपल्सरी है एंड वर्ब जो अपने नॉर्मल स्टेट में होता है वो प्लूरल होता है यानी वर्क प्लूरल है वर्क सिंगुलर है बिकॉज़ इसका फंडा वर्ब का फंडा सब्जेक्ट के फंडे से बिल्कुल उल्टा चलता है है ना ये हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकोर्ड में तो यहाँ ही सिंगुलर है तो आपको वर्ब का सिंगुलर फॉर्म चाहिए आप वर्क नहीं लिख सकते हो वर्क्स लिख सकते हो सो बिकॉज़ ही वर्क्स हार्ड या फिर ही वर्क्स हार्ड कुछ भी होता तो हम कंसीडर भी करते बट ये गलत है

केयर ऑफ इज फैमिली ठीक है ऑल्सो वेन एवर यू राइट एनी आंसर आप जनरली बिकॉज के साथ जाते हो आ, हमारी टेंडेंसी होती है बचपन से क्वेश्चन कॉपी करो चीटिंग करो बिकॉज लगाओ और आंसर लिख दो है ना बट बिकॉज की जगह बहुत सारे वर्ड हैं प्लीज उनको यूज करना चालू कर दो जैसे एक वर्ड एज हो जाता है यहाँ पे ही हैज टू वर्क हार्ड एज ही हैजू टेक केयर ऑफ इज फैमिली सो यस दिस इज हाउ आपको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को रिप्लेस करना है विद सो मेनी गुड वर्ड दैट ऑफ वेटिंग फॉर यू क्लियर ऑल राइट चलो तो ऑप्शन नंबर ए जो है बहुत ही बढ़िया आंसर मिल गया हमको अब आते हैं टेंथ क्वेश्चन पे सेल्फिश ऑल दो आर वेरी सिंसियर टू हिम मोहित इज वेरी हिस्ट फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है सेल्फिश ऑल दो सेल्फिश मतलब सिर्फ अपना सोचना ठीक है और आर वेरी sincere, हु आर वेरी sincere, आर है तो कुछ तो इधर होना चाहिए था प्लूरल सब्जेक्ट अब इधर कुछ प्लूरल दिख रहा है आपको फ्रेंड्स दिख रहे हैं प्लूरल बाकी सब कुछ सिंगुलर है सो वॉट इफ अगर हमको फ्रेंड्स के साथ आर मिल जाए तब जाके हमारा सेंटेंस सही लगेगा अभी इधर आर वेरी बताया ही नहीं है तो ऑप्शन एक हटा दो बी मोहित इज वेरी सेल्फिश अभी कोई मोहित है तो आपके लिए कुछ नहीं है जस्ट नेम ठीक है सो so, मोहित इज वेरी सेल्फिश मोहित बहुत ज्यादा सेल्फिश है सिर्फ अपनी अपनी सोचता है ऑल दो फ्रेंड्स आर वेरी सिंसियर टू हिम देखो फ्रेंड्स आर मिल गया ना है ना तो भले ही उसके दोस्त बहुत ज्यादा उसके प्रति ईमानदार हैं सिंसियर हैं बट मोहित बहुत ज्यादा सेल्फिश है नहीं होना चाहिए जो तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है चलो सी की बात करते हैं आर वेरी मोहित इज वेरी सेल्फिश कम ऑन व्हाट इज आर वेरी फिर मोहित इज है ना तो आर को फ्रेंड्स के साथ यूज करेंगे हम पहली बात कर चुके हैं मोहित इज वेरी हिज फ्रेंड्स मोहित इज वेरी होता है सो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है सो so, आपके पास आपको ऑप्शन नंबर बी बड़े आसानी से मिल चुका है, easy, right? क्या है? देख लेते हैं वापस. Very, फिर selfish, so, यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है ऑलदो का इस्तेमाल सिंसेयर वर्ड मिल गया आपको सो ट्राई टू यूज दम इन योर सेंटेंस क्लियर ऑलरेड चलो अब जम्प करेंगे किस 11th, uh, पे भाई इलेवेंथ क्वेश्चन पे इलेवें लेट नाइट टू विनिटिशन दे प्रैक्टिस प्रैक्टिस मतलब यहां तक सब बढ़िया चल रहा है टू से लेके आज तक बट ये जो लेट नाइट यूज किया है ना इसका मीनिंग कहीं फिट नहीं बैठ रहा है अभी यहाँ तो ऑप्शन ए हटा दो बी दे प्रैक्टिस्ड लेट नाइट कॉम्पिटिशन फॉर लॉन्ग आवर्स टू विन दू विन है so प्रैक्टिस yes, किया था बहुत लंबे समय तक लेट नाइट तक बिल्कुल आधी रात तक काम ही कर रहे थे ये लोग टू विन द कॉम्पिटिशन क्योंकि इनको कॉम्पिटिशन जीतना था ये वी गॉट द राइट मीनिंग ऑप्शन सी सही है डी

अब बात करते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन की दे फोर दे गॉड फर्स्ट शो दे केम फर्स्ट अ चांस टू वॉच द फर्स्ट डे एक मिनट इसीलिए दे उनको क्या मिला फर्स्ट शो पहला शो मिला फिर वो फर्स्ट आए हैं तो दे केम फर्स्ट अ चांस एक चांस एक अपॉर्चुनिटी क्या देखने के लिए टू वॉच द फर्स्ट डे फर्स्ट डे क्या क्या फर्स्ट डे ऑफ वॉट फर्स्ट डे ऑफ द शो फर्स्ट डे ऑफ एनीथिंग कुछ नहीं बताया तो ऑप्शन ए गलत है

एक चांस देखने के लिए इसीलिए दे गॉट द फर्स्ट डे फर्स्ट शो किस लिए तो वो नहीं बताया रीजन तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है चलो डी से उम्मीद है वही पढ़ते हैं दे केम फर्स्ट वो लोग फर्स्ट आए इसीलिए देयरफॉर परफेक्ट भैया फर्स्ट आए ये रीजन है जिसकी वजह से दे गॉट अ चांस उनको एक चांस मिला टू वॉच द फर्स्ट डे फर्स्ट शो कि पहले दिन जिस दिन कोई मूवी है या कोई शो है उसका जो पहला शो है वो देखने का इनको चांस मिला क्योंकि ये लोग फर्स्ट आए थे यस yes, परफेक्ट भाई देयरफॉर जब आप बोल रहे हो ना तो आपको देयरफॉर के पहले एक रीजन देना पड़ेगा कि किस लिए एंड देन आप एक्शन बताओगे ठीक है तो जब हम पढ़ते हैं ना वर्ड्स सो बिकॉज um, एज तो कहीं कहाँ पर रीज़न मैंशन होना चाहिए कहाँ एक्शन वो आप प्लीज़ पढ़ा करो तब तो समझ आ जाएगा जैसे देर फोर है इसलिए तो भाई इसलिए कि पहले आप रीज़न बता चुके होगे ना तभी तो बोलोगे भाई ऐसा ऐसा इसलिए ये हुआ राइट सो दे केम फर्स्ट वो फर्स्ट आए इसीलिए उनको चांस मिला फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का सो so, आपका जो आंसर है वो फॉर श्योर ऑप्शन नंबर डी है बिकॉज यहाँ सब कुछ प्रॉपरली प्लेस्ड है अभी टैली करते हैं सो दे केम फर्स्ट

है ना तो इधर बॉट मोस्टली बॉट तो ये थोड़ा गड़बड़ है है ना यू नीड टू मेंशन मोस्टली के बाद क्या नॉट यू वो नहीं जो आप सोच रहे हो यहाँ पे सेंटेंस का क्या पार्ट मोस्टली के बाद मेंशन करना चाहिए था ठीक है नेक्स्ट बट मोस्टली सम पीपल लाइक दिस प्रोजेक्ट डिडंट लाइक इट पर ज्यादातर फिर कुछ लोग मोस्टली सम पीपल ज्यादातर कुछ लोग लाइक दिस प्रोजेक्ट उसका प्रोजेक्ट अच्छा लगा डिड लाइक इट अच्छा नहीं लगा क्या बोलना चाह रहे हो मतलब अच्छा लगा कि नहीं लगा बहुत कंफ्यूज है राइटर यानी कि ऑब्वियसली मैं तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत है थर्ड की बात करते हैं सम पीपल लाइक दिस प्रोजेक्ट बट मोस्टली डिड लाइक इट ओके कुछ लोगों को उसका प्रोजेक्ट अच्छा लगा बट ज्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगा यस यू गॉट द मीनिंग कि भाई किसको अच्छा लगा प्रोजेक्ट कुछ लोगों को बट ज़्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगा तो ऑप्शन नंबर सी सही है अब डी की बात करते हैं लाइक दिस प्रोजेक्ट सम पीपल बट मोस्टली डिट लाइक इट प्रोजेक्ट अच्छा लगा कुछ लोगों को बट मोस्टली डिडेंट लाइक इट तो लाइक डिस प्रोजेक्ट सम पीपल ना होकर सब्जेक्ट पहले आना चाहिए था ना सम पीपल लाइक तो वो ज्यादा सही स्टक्चर होता तो यहाँ स्ट्रक्चर जो है उसके साथ बहुत ज्यादा बड़ा गेम खेल लिया गया है और उसको बहुत गलत तरीके से उपयोग किया यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी में स्ट्रक्चर गलत है तो so, आप लाइक ढिस प्रोजेक्ट ना बोल के सम पीपल लाइक ढिस प्रोजेक्ट बोलते हैं तो सही होता इसीलिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है सो यू गॉट द सेंटेंस सम पीपल लाइक हिस प्रोजेक्ट बट मोस्टली डिडेंट लाइक इट परफेक्ट ऑल राइट फोर्टींथ पे आते हैं

बी ही क्लेवर समझदार्ट बट यू है अलर्ट रहना पड़ेगा अवेयर रहना पड़ेगा अबाउट से लाइक like, जो भी वो काम करेगा आपको यह नहीं सोचना है कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है तो अच्छा ही करेगा नहीं आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी सही मिल रहा है चलो सी पढ़ते हैं है ना तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है अबाउट हिज वर्क बट यू हैव टू बी वेरी चलो वो अगर आपको ठीक भी लगता कि क्या पता भाई क्लेवर कॉशियस जैसा कोई वर्ड होता है हमको नहीं पता होगा बट इधर क्या है बट यू हैव टू बी वेरी वॉट यू डोंट गेट दी आंसर तो ऑप्शन नंबर सी गलत है डी की बात करते हैं कॉशियस अबाउट हिज वर्क टू बी वेरी ही इज वेरी क्लेवर बट यू हैव कॉशियस अबाउट हिज वर्क टू बी वेरी ही इज वेरी क्लेवर ओके अगेन बहुत हौच पॉच है डी हटा दो तो आंसर क्या हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट अब टैली करते हैं ही इज वेरी क्लेवर बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट हिज वर्क ग्रेट तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा डन ओके अब आते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन पे माय कजिन्स जॉब इज वेरी इजी बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड मेरे कजिन का काम जब भी अपोस्ट्रोफी ऐसा होता है तो मैंने बोला ना आपको कजिन इज ऐसा बोलोगे कजिन का है ना और जब आप प्लूरल बोलेंगे तो अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करेंगे वेरी कॉमन राइट सो माई कजिन जॉब यानी मेरे कजिन की जो जॉब है इज़ वेरी ईजी बहुत ही ईजी है बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड बट वो खुश नहीं है अपनी जॉब से मे बी बिकॉज खुश नहीं होना चाहिए बिकॉज ही इज नॉट पेड दैट मच बट मे बी बिकॉज ही इज अ पर्सन जो कभी कभीफाई होता ही नहीं है सो येस जो भी है वी आर इट बट अभी के लिए जो ये सेंटेंस है इट्स गिविंग यू द करेक्ट मीनिंग कि भाई जो मेरे कजिन है उनकी जॉब बड़ी ईजी है बट वो खुश नहीं है ओके परफेक्ट बी बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड वेरी इजी माई कजन जॉब इज बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड बट के पहले वॉट इट इट शुड कम ना लाइक like, कुछ तो आना चाहिए जब हम बोलेंगे कि ऐसा ऐसा है पर ऐसा ऐसा है तो ये पर ही इज नॉट सेटिस्फाइड वेरी इजी वेरी इजीली कुछ तो होता तो लाइक वी शुड हैव टेकन इट बट ये गलत है सी माय कजन जॉब बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड इज वेरी इजी पहली बात कॉमा पे एंड नहीं करने का है दूसरी बात इधर क्या है इधर इनकम्प्लीट है तो उसको हटा दो अब डी की बात करते हैं सेटिस्फाइड माई कजेंस जॉब इज वेरी इजी बट ही इज नॉट बट ही इज नॉट वॉट सेटिस्फाइड माई कजन जॉब इज वेरी इजी अगेन बहुत गड़बड़ है है ना तो ऑप्शन नंबर डी भी क्या है गलत है तो आपका आंसर क्या हो जाता है सीधे सीधे पहला वाला ऑप्शन बिकॉज दैट इज ओनली द वन जो सही मीनिंग दे रहा है अब टैली करते हैं माई कजन जॉब इज वेरी इजी बट ही इज नॉट सेटिस्फाइड परफेक्ट तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आपको सारे मीनिंग भी मिल रहे हैं अरेंजमेंट भी सही है एंड देर इज नो गलती सो so, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही है डन ओके okay, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट जो हमारे 15 सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं बिकॉज़ टोटल देर आर 30 क्वेश्चंस वी आर डन विद पहला सेट 15 अभी मूव करते हैं 16 टू 30 पे 16 बट आई कुडेंट आई वेंट टू द अटेंड द क्लास ऑन होटल ऑन संडे एक 1 मिनट किया आई वेंट टू द अटेंड द क्लास ऑन होटल ऑन संडे फिर मंडे किया है भई बहुत गड़बड़ है तो ऑप्शन ए हटा डालो बी पढ़ते हैं अटेंड द क्लास ऑन क्लास अटेंड करो किस पे ऑन आई वेंट टू द मैं गया था ठीक है वो भी छोड़ दिया इनकम्प्लीट बट आई कूडेंट होटल पर मैं होटल नहीं ऑन संडे मंडे गड़बड़ बहुत बड़ी गड़बड़ तो ऑप्शन बी भी हटाओ सी की बात करते हैं आई वेंट टू द होटल ऑन संडे मैं संडे को होटल गया बट आई कूडेंट अटेंड द क्लास ऑन मंडे ओ ग्रेट अच्छा ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि भाई संडे को मैं होटल गया था ठीक है वो फैमिली के साथ गए बहुत मस्ती मजाक किया बहुत थक गया था इसीलिए आई कूडन या फिर पर मैं अपनी क्लास मंडे को अटेंड नहीं कर पाया बैड मैनर्स है ना गलत बात बहुत गलत किया है बट अभी आंसर यही है ठीक है तो ये सही है क्या दिया हुआ है आई वेंट टू द होटल ऑन संडे मैं संडे को होटल गया था बट आई कूडन अटेंड द क्लास ऑन मंडे बट मैं मंडे को क्लास अटेंड नहीं कर पाया था क्लियर ओके नेक्स्ट आई वेंट टू द मंडे होटल ऑन संडे बट आई कूडेंट अटेंड द क्लास ऑन ओ ग्रेट अभी आपको ऐसे लगेगा चलो होटल का नाम मंडे आई वेंट टू द मंडे होटल है ना फिर ऑन संडे संडे को फिर यहाँ दिया है बट आई 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 अटेंड अटेंड द द क्लास क्लास ऑन ऑन तो ये भी बड़ा गड़बड़ है तो ये गलत होने का सो ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट करो बड़ी अबिंदाज तो ऑप्शन नंबर डी गलत है अभी क्या अच्छा है सही आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी है ना इजी तो आप क्या करोगे ऑप्शन नंबर सी को टिक करोगे फटाफट से टैली करते हैं भाई आई वेंट टू द होटल ऑन संडे बट आई कूडेंट अटेंड द क्लास ऑन यस परफेक्ट तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर सी इजी ऑल राइट चलो अब आते हैं 17th पे एट एवरी टर्न दिस बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू स्टडी हर एक मोड पे ठीक है एट एवरी टर्न दिस बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू स्टडी ये जो है और डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने में क्या है ये क्या है नहीं पता तो ऑप्शन नंबर ए शायद रख लेते हैं अगर हमको इससे बेटर मिला तो थोड़ा समझ जाएगा कि भाई बोलना क्या चाह रहे हैं पे है ना कहना क्या चाहते हो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में हमको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी की बात करते हैं स्टडी एट एवरी टर्न दिस बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू हर एक मोड पे पढ़ो और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किस लिए टू वॉट क्वेश्चन मार्क तो ऑप्शन बी हटाओ सी मोर डिफिकल्ट एट एवरी टर्न दिस बिकम्स टू स्टडी हर एक मोड पे और डिफिकल्ट ये बन जाता है पढ़ने के लिए ओके रखो इधर डी टू स्टार्टी एट एवरी टर्न मोर डिफिकल्ट दिस बिकम्स हर एक मोड पे पढ़ना और डिफिकल्ट ये बन जाता है अभी इधर पे भी अब हम हम देखो ये होता है क्वेश्चन अब हमारे पास ऑप्शन ए है ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है अब हम पढ़ते हैं कि हमको क्या सही मिल रहा है ओके एट एवरी टर्न हर एक मोड पर लाइक जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो वाली बात हो रही है दिस बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू study. इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है मीनिंग सही मिल रहा है हमको यही था ना कि दिस का क्या मतलब है तो वो हमको कहीं दिया ही नहीं है तो हम उसके पीछे भाग भी नहीं सकते तो ऑप्शन ए सही है अभी गलत बिल्कुल नहीं है अब सी की बात करते हैं मोर डिफिकल्ट एट एवरी टर्म दिस बिकम्स टू स्टडी ऐसा कभी नहीं बोलते मोर डिफिकल्ट एट एवरी टर्म दिस दिस बिकम्स ए डिफिकल्ट एट एवरी टर्न मे बी मोर डिफिकल्ट टू स्टडी एट एवरी टर्न फिर भी थोड़ा सही लगता है तो ये गड़बड़ है बिकॉज मोर डिफिकल्ट पहले देकर थोड़ा अरेंजमेंट हिला दिया है डी टू स्टडी एट एवरी टर्न मोर डिफिकल्ट दिस बिकम्स व्हाट मोर डिफिकल्ट बिकम्स भैया ये पढ़ना सो इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू स्टडी एट एवरी टर्म ऐसा होता है राइट right? बट अभी हमको इट दिया नहीं है सो दिस इज बेटर हर एक मोड पे पर डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने में तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर होगा व्हाट अ क्वेश्चन बिकॉज अभी भी आपको लग रहा होगा कि वाई नॉट डी बिकॉज सी और बी में आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है इट्स वेरी इजी कि वाई बी एलिमिनेटेड देम बट व्हेन वी नीड टू कंपेयर बिटवीन ए एंड डी फर्स्ट ऑप्शन सीज एट एवरी टर्न दिस बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू स्टडी हर एक मोड पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ने में टू स्टडी एट एवरी टर्न मोर डिफिकल्ट दिस बिकम्स हर एक टर्न पे पढ़ना मोर डिफिकल्ट ये हो जाता है ये पढ़ना मोर डिफिकल्ट हो जाता है राइट right? तो ऑप्शन नंबर ए इसीलिए ही सही है बिकॉज यू गेट द करेक्ट आंसर चलो फटाफट टैली करते हैं सो एट एवरी टर्न दिस बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू स्टडी परफेक्ट क्लियर ऑल राइट अब आते हैं एटीन पे इट वॉज वेरी कोल्ड बट वी डिड नॉट वीट आउट का एक क्वेश्चन आ गया ठीक है, हैल्ड so, बहुत ज्यादा ठंड थी बट वी डिड नॉट बट हमने नहीं वेन वी वेंट आउट जब हम बाहर गए बाय अ जैकेट जैकेट खरीदी हाउ एवर इट स्टार्टेड टू रेन पर बारिश होने लगी एक मिनट बहुत ज्यादा ठंड थी पर हमने नहीं जब हम बाहर गए जैकेट खरीदा पर बारिश होने लगी अरे भाई कहा क्या कुछ भी बोल दिया है तो ऑप्शन ए बहुत ज्यादा है तो उसको हटाओ बी की बात करते हैं वी वेंट आउट जब हम बाहर गए इट वेरी कोल्ड बहुत ज्यादा ठंड थी बट वी डिड नॉट हाउ एवर इट स्टार्टेड बाय जैकेट टू टूरे यहाँ तो कितना सही चल रहा था डिड नॉट तक फिर कुछ गड़बड़ हुई है देखो हम बाहर गए बहुत ठंड थी पर हमने नहीं फिर भी इट स्टार्टेड वो चालू हुआ बाया बारिश हुई, क्या हो रहा है तो ये? भी भी बड़ी ठंड लग रही थी ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या यहाँ पर बट वी डिड नॉट बायट हाउ एट फिर भी ये स्टार्ट हो गया क्या स्टार्ट हो गया नहीं पता तो ऑप्शन सी भी गलत है अब डी बोलते हैं इट वॉज वेरी कोल्ड बहुत ज्यादा ठंड थी वेन वी वेंट आउट जब हम बाहर गए बट वी डिड नॉट बायेट बट हमने जैकेट खरीदी नहीं ठंड थी बट हमने जैकेट नहीं खरीदी बट बारिश होने लगी तो यहाँ आप बन रहे थे आयर मैन सॉट ऑफ की हमको क्या ही ठंड लगेगी बट फिर बारिश ही होने लगी सो इट वॉज लाइक अ चेरी ऑन अ केक सो यस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है कि बहुत ज्यादा ठंड थी जब हम हार गए बट हमने जैकेट नहीं खरीदा यू you नो know, एक स्वैग में आके बट फिर बारिश ही होने लगी सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है अभी टाली करते हैं फटाफट से इसको ऑप्शन नंबर डी को सो यू हैव It was very cold when we went out, but we did not buy किधर गया उधर गया buy a jacket. However, it started today. Perfect, clear, all right. अब आते 19 पे. Them soon the problems are not serious. Nonetheless, we shall need to talk. I love nonetheless word. मतलब पता नहीं बोलते सी बड़ा अच्छा लगता है. तो ये use करने लगो. Nonetheless, nevertheless, however, whatsoever, whatever ऐसे words बहुत अच्छे लगते हैं वो use करना ठीक है तो

अगर हमने इसको नहीं डील किया तो अभी के अभी हम फेल हो जाएंगे ऐसा टाइप के प्रॉब्लम सीरियस होते हैं तो प्रॉब्लम्स हैं बट सीरियस नहीं है नंद लेस बट फिर भी इस बात को ध्यान में नहीं रखना कि सीरियस है कि नहीं वी शैल नीड टू टैकल देम सून हमको इनके साथ डील करना पड़ेगा हमको इनके टैकल करना पड़ेगा बहुत जल्द हाँ ये मिल रहा है ना सही आंसर यानी यहाँ दैम दैम नहीं देम इज टॉकिंग अबाउट दी प्रॉब्लम्स राइट तो क्या बोल रहे हैं हम द प्रॉब्लम्स आर नॉट सीरियस प्रॉब्लम सीरियस नहीं है नंदलेस बट फिर भी इसको बात को हटाते हुए वी शैल नीड टू हमको टैकल करना ही पड़ेगा देम सून यानी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी हमें डील करना पड़ेगा तो ऑप्शन भी सही है सी पटेम नंद प्रॉब्लम्स आर नॉट सीरियस शैल नीड टू टैकल देम सून एक मिनट नंद लेस द प्रॉब्लम्स हम जो प्रॉब्लम्स हैं सीरियस नहीं है बट शैल नीड टू टैकल देम सून क्या हो रहा है ये कुछ भी गड़बड़ है तो ऑप्शन सी हटाओ डी प्रॉब्लम आर नॉट सीरियस प्रॉब्लम सीरियस नहीं है ऑप्शन नंबर डी भी हटाओ यानी आपके पास जो आंसर है वो ऑप्शन बी ही होना चाहिए नॉ लेटली दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यू हैव द प्रॉब्लम्स आर नॉट सीरियस नन द लेस वी शेल नीड टू टैकल देम सू परफेक्ट डन ओके ट्वेंटी उस इज नियर बाय हर क्वेश्चन पढ़ के कुछ नहीं मिला इसलिए क्वेश्चन नहीं पढ़ना है ठीक है चलो एक रिमाइंडर अब ऑप्शन पढ़तेलडम सी मैं कभी कभार देखता हूँ भले ही उसका घर पास में है उसका क्या? उसका घर पास में है उसका क्या है इधर कुछ भी तो ऑप्शन ये हटाओ चलो बी की बात करते हैं हाउस इज नियर बाय घर पास में है ऑल दो हर भले ही वो आई सैल्डम सी हर मैं उसको बहुत कभी कभार ही देखता हूं तो ये भी गड़बड़ है सी हर हाउस इज नियर बाय भले उसका घर जो है है वो पास में आई सैल्डम सी हर मैं उसको कभी कभार ही देखती हूँ अच्छा ठीक है मतलब घर भले ही पास में तो हमको रोज मुलाकात हो जान ची बातचीत हो जानती बट मुश्किल से कभी बात बात होती है मुश्किल से कभी देखने को मिलता है कि हम यू you नो know, कभी दिख गए एक दूसरे को एंड स्टाफ सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि भले ही घर पास में है बट जो मुलाकात है वो बहुत कम होती है ठीक है डी की बात करते हैं कभी कभार देखते हैं भले ही घर पास में है मैं हर वॉट इज दिस तो ऑप्शन नंबर डी गलत है यानी ऑप्शन सी है जो परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है सो ऑल्दो हर हाउस इज नियर बाय आई सैलडम सी परफेक्ट क्लियर ओके अब आते हैं लास्ट जो टेन क्वेश्चन है उन पर सो ट्वेंटी फर्स्ट सेज आई ओपन द फ्रंट डोर आई स्मेल द डिस्टिंगटिव एरोमा ऑफ फ्रेश वाह हाउरेशन एस जैसे ही आई ओपन द फ्रंट डोर मैंने जो फ्रंट डोर है उसको ओपन किया आई स्मेल मैं स्मेल कर पा रहा था या मुझे खुशबू आई द डिस्टिंक्टिव एक अलग ही जो आप अलग ही बता दो किस चीज की खुशबू है एरोमा अगेन फ्रेग्रेंस ऑफ फ्रेश टी बिल्कुल मस्त ताजी ताज़ी चाय बनने की जो खुशबू है वो मुझे आ गई तो जो भी चाय लवर्स हैं यस वो अभी समझ पा रहे होंगी परफेक्ट so, तो ऑप्शन है बी की बात करते हैं एज सुन एज आई द डिस्टिंग एरोमा ऑफ फ्रेश टी ओपन द फ्रंट डोर आई स्मेल्ट यानी यहां पर एज सुन एज और मैं कौन हूं डिस्टिंक्टिव एरोमा ऑफ फ्रेश ट्री भैया का ऐसे बोलेंगे क्या नहीं तो ये गड़बड़ है मतलब यहां पर ये जो है है उसको से लिंक कर दिया तो ऑप्शन बी गलत है की बात करते हैं फ्रेश टी की एज सुन एज आई ओपन द फ्रंट डोर एज एक मिनट अभी ऑप्शन ए में और सी में खुद ही समझ जाओ क्या परफेक्ट है जैसे ही मैंने फ्रंट डोर खोला मैंने एक अलग ही डिस्टिंगटिव जो फ्रेश टी की खुशबू है वो स्मेल की अच्छा ठीक है जो अलग ही खुशबू है फ्रेश टी की जैसे ही मैंने दरवाजा खोला आई स्मेल्ट नहीं ऐसे उल्टा नहीं बोलते हम बताते हैं कि भाई जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वो जो खुशबू है चाय की वो मुझे आ गई है ना तो ऑप्शन नंबर सी गलत है बिकॉज थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया सेंटेंस को डी की बात करते हैं एरोमा फ्रेश फ्रेशन एज जो फ्रेश टी की खुशबू है जैसे ही मैंने फ्रंट डोर खोला आई ओपन द फ्रंट डोर आई स्मेल द डिस्टिंक्टिव मैंने स्पेल किया अलग ही गलत है आई स्मेल द डिस्टिंक्टिव वर्ड तो ऑप्शन नंबर डी इनकम्प्लीट हो गया इसीलिए आपका जो आंसर है वो ऑप्शन ए ही था फटाफट से टैली करते हैं

न ड्राइव तुम ड्राइव कर सकते हो प्रोमिस मी मुझे प्रोमिस करो टू माई न्यू कार मेरे नई कार को क्या बोल रहे हो तो ये अजीब है वाइल्ड ड्राइविंग फिर यू कैन अरे तो वाइल्ड ड्राइविंग द पर्सन विल ड्राइव ओनली राइट तो ऑप्शन नंबर एक गलत है बी प्रोमिस मी मुझे प्रोमिस करो टू भाई किसको टू बोला तो प्रोमिस मी फिर दिया है एज लॉन्ग एज यू जब तक की वाइल्ड ड्राइविंग ड्राइव करते दौरान यू कैन ड्राइव माई न्यू कार बी केयरफुल वाइल्ड ड्राइविंग यू कैन ड्राइव माई न्यू कार कुछ भी है तो ऑप्शन बी हटाओ सी एज लॉन्ग एज यू प्रोमिस मी टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग अच्छा ठीक है ये बोल रहे हैं भैया कि हमारी जो नई कार है हम तभी देंगे आपको चलाने को जबकि आप प्रॉमिस करेंगे कि आप अच्छे से ड्राइव करेंगे ठीक है सो एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस जब तक तुम मुझे प्रॉमिस करते हो कि तुम केयरफुल रहोगे ड्राइव करते वक्त तो तब तक तुम भैया मेरी कार ले जाओ चलाने के लिए बिकॉज नई गाड़ी है कुछ आ गया डेंट वेंट पड़ गया तो बहुत दुख होगा तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो परफेक्ट बता रहा है सो यस ऑप्शन सी करेक्ट है डी की बात करते हैं टू बी केयरफुल केयरफुल होना यू कैन ड्राइव आप ड्राइव कर सकते हो वाइल्ड ड्राइविंग अभी ये ना बहुत बड़ा गड़बड़ है कि ड्राइव कर सकते हो ड्राइव करते वक्त तो ड्राइव करते वक्त ड्राइव ही करना है है ना तो ऑप्शन नंबर डी गलत है सो ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट वन फटाफट से करते हैं टैली एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस मी टू बी केयरफुल किधर है ये रायरफुल वाइल्ड ड्राइविंग कॉमा यू कैन ड्राइव माइ न्यू का परफेक्ट ठीक है सो so, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही मीनिंग दे रहा है अब आते हैं ट्वेंटी थर्ड पे यू विल नेवर ट्राइंग टू बी नॉर्मल इफ यू आर ऑलवेज नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी एक मिनट यू विल नेवर ट्राइंग नहीं होता है, है ना यू विल नेवर ट्राइड टू बी होता है नेवर ट्राइंग नहीं जाएगा यहाँ पे तो ऑप्शन ए ये जो वर्ड का यूसेज है वही गलत है अब बी पढ़ते हैं ट्राइंग टू बी नॉर्मल यानी कि नॉर्मल ट्राई कर रहे हो होने का इफ यू आर ऑलवेज अगर तुम हमेशा यू विल नेवर अमेजिंग यू विल नेवर बी अमेजिंग होता है तो ये भी गलत हो गया क्योंकि आप बी तो लगाओ अमेजिंग क्या मतलब ऐसे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं पढ़ा हमने आज तक तो ये भी गड़बड़ा है सी की बात करते हैं इफ यू आर ऑलवेज यू विल नेवर अगर तुम हमेशा तुम कभी भी नहीं ट्राइंग टू बी नॉर्मल नॉर्मल ट्राई कर रहे हो होने का नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी एक मिनट इफ यू आर ऑलवेज यू विल नेवर ज वॉट यू विल नहीं होता यूर बी ट्राइंग या चलो यूर ट्राई टू बी होना चाहिए ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है डी इफ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी नॉर्मल अच्छा अगर तुम हमेशा ही नॉर्मल बनने की कोशिश करोगे यू विल नेवर नो तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा हाउ अमेजिंग यू कैन भी कि तुम कितने अमेजिंग हो सकते हो ओ वाह दिस इज अ ग्रेट थॉट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जब तक बस तुम नॉर्मल रहोगे कि नहीं मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है मैं तो ऐसी हूँ बस ठीक है चल रहा है एंड ऑल तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें कितनी ज़्यादा स्किल्स हैं बिकॉज हर एक पर्सन यूनिक है है ना एंड यू ऑल्सो हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन इट्स जस्ट दैट ढूंढने की जरूरत होती है कि हमें वो क्या बात है वो क्या स्किल है और जब तक नहीं ढूंढोगे तो वही चीज़ रहेगी यू विल नेवर नो कि तुम कितने अमेजिंग हो तो यस yes, ये बहुत प्यारा थॉट भी है साथ ही साथ बहुत सही आंसर भी है ऑप्शन नंबर डी अब फटाफट से टाली करते हैं सो so, टाली करने पे इट इज इफ़ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू बी नॉर्मल यू विल नेवर नो हाउ अमेजिंग यू कैन बी परफेक्ट

लीव द स्कूल द बेल वॉल अंटिल द बेल जब तक बेल क्या तो ऑप्शन बी भी गड़बड़ है थर्ड पढ़ते हैं द बेल रिंग्स घंटी बजती है बेल रिंग्स यू कैन नॉट लीव तुम नहीं जा सकते हो द स्कूल तुम स्कूल छोड़ के नहीं जा सकते हो जब तक की जब तक की क्या आगे बता तो दो तो कंडीशन ही नहीं दी है तो ऑप्शन नंबर सी भी गड़बड़ है डी पढ़ते हैं यू कैन नॉट लीव द स्कूल द बेल रिंग्स हाँ ठीक है परफेक्ट तुम स्कूल छोड़ के नहीं जा सकते हो जब तक की बेल नहीं बज जाती यस ग्रेट यानी जैसे ही बेल बजेगी कंडीशन फुलफिल एक्शन स्टार्ट यू कैन लीव क्लियर सो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही आंसर है फटाफट से डाली करते हैं यू कैन नॉट लीव द स्कूल अंटिल द बेल रिंग्स परफेक्ट डन ओके चलो अब ट्वेंटी फिफ्थ में आते हैं आफ्टर सोहन एट द कुकी ही गॉट अ स्टमक एक जैसे ही सोहन ने क्या खाया भाई कुकी खाई कोई बिस्किट्स खाए में भी तो आफ्टर सोहन एट द कुकी ही गॉट अ स्टमक एक उसको पेट में दर्द होने लगा एक पेन राइट ठीक है सही लग रहा है कि जे आफ्टर सोहन एट तो सोहन ने जब कुकी खाई उसके जस्ट बाद उसको स्टमक पेन होने लगा नेक्स्ट एक आफ्टर सोहन एट द कुकी ही गॉट अ स्टमक ओ वाह कितना सही जोक है क्या दिया हुआ है कि पेन जैसे ही सोहन ने कुकी खाई उसका स्टमक आ गया कुछ भी है तो ऑप्शन बी हटाओ सी गोट स्टमक आफ्टर सोहन एट द कुकी वही चीज बोल रहे हो भाई गोट स्टमक स्टमक नहीं मिल गया उसको स्टमक एक हो रहा था यानी कि पेट दर्द स्टार्ट हो गया उसका पेट स्टार्ट नहीं हो गया तो ऑप्शन नंबर सी भी गड़बड़ है डी आफ्टर सोहन एक अच्छा ठीक है जे आफ्टर सोहन एक मतलब सोहन जो है उसको पेन हुआ आफ्टर दैट

और फिर दिया है आई स्टडी इट वेरी हार्ड मैंने बहुत मेहनत की चलो ठीक है तुमने इंग्लिश पढ़ी है तुमने मेहनत अच्छे से की है बट क्या परफेक्टली बिकॉज वॉट है ना तो ये गलत है कि परफेक्टली का क्या बोल रहे हो व्हाट केम परफेक्टली सो ऑप्शन नंबर ए गलत है बी वेरी हार्ड आई लर्न इंग्लिश मैंने बहुत मेहनत करके इंग्लिश पढ़ी परफेक्टली अच्छे से बिकॉज आई स्टडी क्योंकि मैंने पढ़ा क्योंकि मैंने पढ़ा इसीलिए परफेक्टली इंग्लिश याद हो गई ऐसा कुछ करके होना चाहिए था तो ऑप्शन बी साइड में रखते हैं सी पढ़ते हैं आई लर्न इंग्लिश परफेक्टली अच्छा मैंने इंग्लिश अच्छे से परफेक्टली समझ ली है बिकॉज आई स्टडी इट वेरी हार्ड क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की हाँ ये हुआ ना मतलब कि भाई इंग्लिश इसीलिए मेरी अच्छी है, क्योंकि मैंने मेहनत की है ग्रेट ऑप्शन डी आई स्टडी इट वेरी हार्ड मैंने बहुत मेहनत की आई लर्न इंग्लिश परफेक्टली बिकॉज आई लर्न इंग्लिश परफेक्टली बिकॉज बिकॉज वॉट तो यहां पर क्योंकि आगे कुछ नहीं दिया तो यानी आपके पास जो साइड में रखा हुआ ऑप्शन बी और करेक्ट ऑप्शन सी मिलता है तो अभी आपको समझ आ रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है ऑप्शन सी तो आपका आंसर हो जाएगा सी अब फटाफट से टैली करते हैं सो आई लर्न इंग्लिश

आई एम होता तो थोड़ा कंसिडर करते या फिर एम की जगह इंजॉय रख देते फर्स्ट ऑप्शन की तरह तो सही होता तो यहाँ गड़बड़ है हटा दो थर्ड प्लेइंग क्रिकेट ऑल दो आई एम नॉट वेरी गुड आई रियली एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट भले ही मैं अच्छा नहीं हूँ आई रियली इंजॉय आई रियली इन्जॉय प्लेइंग क्रिकेट है ना तो ऑप्शन नंबर सी गड़बड़ है डी ऑल दो आई एम नॉट आई रियली एन्जॉय वेरी गुड प्लेइंग क्रिकेट भले ही मैं नहीं हूँ आई रियली really enjoy वेरी गुड playing क्रिकेट कुछ भी बोल रहे हैं मैं ऑल दो नहीं हूँ क्या नहीं हूँ तो ऑप्शन नंबर डी भी गड़बड़ है यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है दिस गिव्स यू द करेक्ट मीनिंग टैली करते हैं ऑल दो आई एम नॉट वेरी गुड आई रियली एंजॉय प्लेइंग डन ओके सो इस तरीके से ट्वेंटी सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेक्स्ट बात करते हैं ट्वेंटी एट की अराइव्ड आफ्टर द एक्सीडेंट द एम्ब्यूलेंस हैड टेकन प्लेस आई फ्टर द एक्सीडेंट एक्सीडेंट के बाद द एंबुलेंस एम्बुलेंस है एम्बुलेंस हुई थी नहीं ना तो ऑप्शन नंबर एक गड़बड़े बी द एम्बुलेंस अराइवर द एक्सीडेंट है एक्सीडेंट हो गया उसके बाद एम्बुलेंस आई थी ओके okay, सही है एम्बुलेंस अराइव्ड आफ्टर द एक्सीडेंट एक मिनट हुई थी एम्बुलेंस आई थी एक्सीडेंट के बाद कुछ भी थी थी तो ऑप्शन नंबर सी गलत है डी आफ्टर द एक्सीडेंट द एंबुलेंस टेकन प्लेस एक्सीडेंट के बाद एम्बुलेंस आई हैड टेकन प्लेस हुई थी व्हाट इट तो ऑप्शन नंबर बी जो है द एंबुलेंस अराइवर द एक्सीडेंट है सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे विच इज ट्वेंटी विद्लान ऑल्दो फीलिंग

वेरी लॉन्ग बहुत ही बड़ी ऑल दो इट वॉज द मूवी भले वो मूवी थी वॉज स्टिल enjoyable. एक मिनट क्या मूवी थी और इन्जॉय तो मूवी तो इन्जॉएबल होगी तो ऑप्शन नंबर बी गलत है सी स्टिल enjoyable. ऑल दो इट वॉज वेरी लॉन्ग द मूवी वॉज वॉट द मूवी वॉज अगेन इनकम्प्लीट लास्ट ऑल दो इट वॉज वेरी लॉन्ग भले ही मूवी बहुत बड़ी थी लेंदी थी यानी तीन चार घंटे की थी मूवी वॉज स्टिल ऑप्शन लॉन्ग द मूवी वॉज स्टिल इंजॉयबल परफेक्ट डन और इस तरीके से वी आर डन विदर्टी एमसी क्यूज का डिस्कशन ऑफ द टॉपिक जम्बल अब आई होप आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चन का लेवल कितना भी बढ़ जाए इट जस्ट दाइम

कि हिंदी मीडियम की कोई बुक पढ़ना चाहते हो हिंदी मीडियम का कोई डिस्कशन देखना चाहते हो फॉरशर आप क्लिक कर सकते हैं फॉर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स सो इस तरीके से आपको बस करना क्या है ना क्लिक ऑन एनी वन ऑफ देम सपोज आप ओलंपियाड क्लास टेंथ आई का कोई वीडियो पढ़ना चाहते हो आपने डिसाइड कर लिया क्लिक करो ओलंपियाड में आपके सामने ओलंपियाड से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे देखिए इंग्लिश का दिया हुआ है, ओलंपियाड जनरल नॉलेज ओलंपियाड एंड देन यू हैव केमिस्ट्री फॉर नेशनल साइंस ओलंपियाड। तो आपको बस क्या करना है ना क्लिक कर दो किसी पे भी जो पढ़ना चाहते हो सपोज यू वॉन्ट टू गो थ्रू टेंथ आई गेट का सिलेबसिव

सो विद दिस वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द वेबसाइट बट दैर इज वन मोर इंपॉर्ट थिंग और वो है द स्केड्यूल बिकॉज एक प्रॉपर टाइम टेबल प्रॉपर रूटीन होना फॉर एनी प्रेपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए आपके पास ओलंपियाड का भी एक प्रॉपर स्केड्यूल डिजाइंड है दैट इज एवरी मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे आपको अपने रिमाइंडर सेट कर लेना है कि भाई ठीक सुबह दस बजे आपको आई के वीडियोज मिल जाएंगे यानी इंग्लिश ओलंपियाड के ठीक इन्हीं दिनों पे एक बजे मैथमेटिक्स चार बजे आपको साइंस ओलंपियाड के लिए केमिस्ट्री के वीडियो एंड सात बजे आपको डिस्कशन ऑफ टूडेज टॉपिक विच वॉज थर्डी एमसीड ऑन टॉपिक जम्पल्ड वर्ड जिसे आप सेंटेंस रिय अरेजमेंट भी कह सकते हो एंड वॉज टोटली ऑफ इंटरमीडिएट लेवल तो सेंटेंस व क्वाइट लेंदी बट डेफिनेटली ये कन्फ्यूजन जरूरी भी है अभी हटाना बिकॉज दैट इज हाउ आप अपने एग्जाम्स में आंसर्स बहुत ईजीली फाइंड आउट कर लोगे सो इफ यू फील कि ये जो वीडियो है आपके लिए बेनीफिशियल था यू नो वॉट हैव टू डू जस्ट गिवे फैक्स टू दीडियो शेयर अब शेयर बाउट द चैनल विद एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड येस अगर, अगर अपडेट मिस नहीं करना है तो क्या कर रहे हो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करो टू दैनल सो विद ड नॉट लाइक शेर एंड सब्सक्राइब एंड ये वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस पटिकुलर वीडियो बट इन द नेक्स्ट वन वो टू मी डू वेरी सुन नेक्स टॉपिक The then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.